वायरिंग से वर्क है, किस तरह की इसमें वायरिंग है। देखिए प्रॉपर वाला कपड़ा टू कपड़ा, जैसे कि मैं हर वीडियो में चुका है, और जो वायरिंग है वो पूरी पूरी अंडरग्राउंड। ये है इसके अंदर, देखो जा रहे हैं इसके अंदर। अभी तक ऑलमोस्ट काम डन, थोड़ा डन हो चुका है, लाइक इसमें जीपीएस माउंट लग चुका है। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमालयन 450 जो कि आप देख सकते हो। हिमालयन ये रेडी करने जा रहे हैं इसके अंदर, अभी तक ऑलमोस्ट काम डन, थोड़ा डन हो चुका है, लाइक इसमें जीपीएस माउंट लग चुका है, एक आपका हेडलाइट ग्रिल, मास्टर अंडर कैप, इधर रेडिएटर गार्ड, नीचे आपका सम गार्ड, और पीछे आपका लग चुका है इसके अंदर। ये देख सकते हैं, ये इसका सैडल स्टे जो कि मिलता है आपको विद डिटैचेबल लेडी फुटरेस्ट के साथ, साथ में लग चुकी है पीछे टॉप रैक प्लेट। और अभी इसके अंदर और भी काम बाकी है, जैसे कि लाइक इसका क्रैश गार्ड हो गया, वो भी लगना बाकी है। क्रैश गार्ड के साथ आपकी इसमें 70 वाट की आपकी फॉग लैंप विद हार्नेस है, ये भी इसके अंदर लगनी भी बाकी है। और बाकी ये जो गाड़ी आई है ना, ये आई है हमारे भैया ठंडा ओमकार के रेफरेंस से, राजेश शर्मा। अरे यार है तो आ रही ना। तो भैया कैसे लगा आपको अभी तक का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, प्राइस भी बहुत अच्छे हैं आपके और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जैसे ये डिटैच भी कर सकते हैं। यस, और ये क्वालिटी है, ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगी वैसे तो। इसके जॉइंट्स वगैरह भी अच्छे प्रॉपर मतलब जॉइंट हो रखे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये जॉइंट्स ना एक्चुअली क्या है, ये जब भी आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसे दोबारा से लगा सकते हो अपने खुद के अकॉर्डिंगली। और बाकी और बाकी सब कुछ कैसा लगा? बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, प्राइस वगैरह आपके सब बहुत अच्छे हैं, और अभी तो काम चल ही रहा है, बाकी पूरी लोडेड हो जाए उसके बाद आपको दिखाते हैं पूरे से एकदम रेडी बाइक। तो वो भी करते हैं इसको लोडेड, और लोड करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर ऑल अबाउट क्या क्या हुआ है इसके अंदर और क्या नहीं हुआ है इसके अंदर। क्योंकि आपको पता है हिमालयन 450 जहाँ आती है ना, वहाँ राजू भाई का नाम जरूर आया था, क्योंकि वी आर स्पेशलिस्ट फॉर दिस बाइक, बिकॉज आपको पता ही है कि इसका जो प्रॉपर वर्क है वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट में जैसे चलाते हो ना, तो वहाँ पर सिर्फ फंसने वाला काम होता है, क्योंकि वायर कटिंग कर देते हैं और हम वायर कटिंग नहीं करते। तो करते हैं वीडियो को कम्प्लीट, सॉरी गाड़ी को कम्प्लीट, फिर आपको दिखाते हैं पूरी वीडियो के अंदर कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है टोटली इस बाइक के अंदर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसके अंदर फॉग लैंप हम लगा चुके हैं इसके अंदर, बाकी ऑल ओवर काम कम्प्लीट हो चुका है। बट मैं जो अभी फिलहाल का सिनेरियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके अंदर वायरिंग से वर्क है, किस तरह की इसमें वायरिंग हुई। देखिए ये वायरिंग देख सकते हैं इसके अंदर, आपको कहीं नज़र नहीं आएगी कहाँ फिटी हुई कहाँ नहीं हुई है, क्योंकि ये हुआ है इसके अंदर प्रॉपर वाला कपड़ा टू कपड़ा, जैसे कि मैं हर वीडियोस में बताता हूँ आपको, या आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ये देखिए आपका बटन लग गया है यहाँ पर इस तरफ, जो कि आपका हार्नेस वाला बटन है, ये इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। और जो वायरिंग है वो पूरी पूरी अंडरग्राउंड, ये है इसकी हार्नेस। देखो मैं दिखा रहा हूँ तो पता लगेगा आपको हार्नेस की वायरिंग, वैसे जज भी नहीं करते कहाँ फिट हुई है कहाँ नहीं हुई, पूरी ऑल अबाउट कम्प्लीट इंटरनली है, कहीं कोई अर्थिंग नहीं कोई कुछ नहीं, सिंपली इजी टू फिटेड उसके अंदर फिट कर दी गई है। लुक चेक कर लो इस तरह में इसका कैसा आ रहा है इसका, और अब करते हैं इसको कंप्लीट, और कंप्लीट करके फिर आपको जला के दिखाऊंगा, और बाकी इसमें क्या क्या काम हुआ वो आपको दिखाता हूँ कंप्लीट करने के बाद। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि इसके अंदर क्या क्या वर्क होने वाला था और क्या क्या हो चुका, और जो वायरिंग वगैरह होती है वो किस तरीके से होती है, और जो ये गाड़ी का ऑनर है उनको किसने भेजा था, बाकी उनका इंट्रो लेंगे बाद में। इसके अंदर दिखाया था फाइनली हमने क्या क्या कर दिया गया है। सबसे पहले दिखाऊँगा कॉम्बो किट जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। कॉम्बो किट में मिलते हैं आपको पूरे 8 आइटम जिसमें आपका पूरा होता है बेनिफिट्स। तो इसके अंदर लगा दी गई इसके अंदर हेडलाइट ग्रिल, जो कॉम्बो किट का पैकेज है, एक आपका ये हो गया, दूसरा हम लेगा आपको जीपीएस माउंट, तीसरा हम लेगा मास्टर सिलेंडर कैप 1, मास्टर सिलेंडर कैप 2, मास्टर सिलेंडर कैप 3, और उसके बाद मिलती है आपको रेडिएटर गार्ड देख सकते हैं ये, उसके बाद मिलता है सम गार्ड, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ आखिरी आइटम जो कि मिलेगी आपको टॉप रैक प्लेट। ये सारी चीज़ इसके इंस्टॉल कर दी गई हैं। अब बता दो इनका यूज़ क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसका जीपीएस माउंट है ना, इसके अंदर लगाने का सबसे बड़ा मोटिव होता है कि इसमें जीपीएस, गोप्रो या फिर इंस्टा वगैरह या मोबाइल होल्डर कुछ भी इसके अंदर लगाकर इजी टू राइड कर सकते हो अपनी किसी बाइक के अंदर। इसके बाद मिलते हैं आपको हेडलाइट ग्रिल जो स्पाइडर लुकिंग के अंदर मिल जाती है, इससे आपके हेडलाइट तो रहते हैं सेफ के साथ साथ लुक भी काफ़ी इनहेंस हो जाती है इसे लगने के बाद। और उसके बाद मिलते हैं आपको मास्टर सिलेंडर कैप जिससे आपका सेफ्टी भी होती है मास्टर सिलेंडर की, और दूसरा ना इससे लुक भी काफ़ी इनहेंस हो जाती है लगाने के बाद। और इधर आपको मिलते हैं रेडिएटर गार्ड जो देख सकते हो ये लगा दिया गया है। रेडिएटर मिलता है आपको हिमालयन की ब्रांडिंग के साथ, साथ में देख सकते हैं हिमालयन भी इसके अंदर, हिमालय पर्वत भी बने होंगे इसके अंदर ग्रे कलर, जो लुक को करता है काफ़ी एनहेंस। और इसे लगाने के बाद ना रेडिएटर होता है पूरी तरीके से सेफ को, जब भी आप राइड करते हैं ना, राइड करते हुए ये एडवेंचर बाइक्स है, एडवेंचर बाइक के अंदर जब भी राइड करते हुए पत्थर वगैरह कुछ भी आकर लगता है रेडिएटर पर तो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है,
और अगर जो उसमें लगा और वो डैमेज हुआ तो आपकी बाइक हो जाती है वहीं पर स्टॉप, तो उसे स्टॉप ना होने के लिए इसके अंदर लगा देगी आपके रेडिएटर गार्ड। सेम इसके अंदर जैसे ऊपर था वैसे नीचे मिलेगी आपको स्टम गार्ड, ये भी आपको हिमालयन की ब्रांडिंग के साथ मिलता है। ये आपके करता है ऑयल फिल्टर कंट्रोल, क्योंकि ऑयल फिल्टर पर भी वही राइडिंग के बाद क्या होता है उसमें कुछ भी लगा वो ब्रेक हुआ तो भी आपकी बाइक हो जाती है स्टॉप। तो ये दो चीज़ें जो बहुत ही ज़रूरी हैं जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई हैं। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसके अंदर क्रैश गार्ड, ये देखिए क्रैश गार्ड है, फुल बॉडी क्रैश गार्ड से कहते हैं हम। ड्यूल स्लाइडर के अंदर एक आपको मिलता है इस तरफ, एक आपको मिलता है इस तरफ, फिटमेंट चेक कर लो, एक इधर इस तरफ मिल जाती है, एक मिल जाती है इस तरफ और एक मिलती है आपको फ्रंट की तरफ। तो ये है इसका प्रॉपर फिटमेंट वाला आपका जो क्रैश गार्ड है वो लगा दिया गया। और ये होता है हमारे खुद का बनता है, जो भी आप देखते हैं ना क्रैश गार्ड टॉप रैक सैडल शेस के, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। और बाकी जो आइटम है हम 90% कोशिश करते हैं कि हम खुद का बनवाएं, हम मार्केट से बाय बहुत ही कम करते हैं। तो ये आपने देखा क्रैश गार्ड इधर सेम देखने में लगा इस तरफ, जिससे गाड़ी अगर गिर भी जाती है ना तो गिरने के बाद आपका टैंक आपके लैक्स ये होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और उसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर फॉग लैंप जो कि इसके अंदर लगा दी गई है। वायरिंग तो मैंने आपको चेक कराई दी थी किस तरीके से फिटमेंट करते हैं हम विदाउट एनी वायर कटिंग, जो कि मिलती है आपको इसके अंदर हारनेस के साथ। हारनेस में क्या होता है आपको रिले मिल जाती है, वायर मिल जाती है, एक मिलता है आपको स्विच और विद आपकी होगी फॉग लैंप। और अब दिखाता हूँ इसकी रोशनी किस तरीके से रोशनी इसकी आने वाली है। ये देखिए ये हो गया आपका येलो, अगला भी येलो ही होगा, लेकिन येलो के साथ ना आपको एक और फीचर दिखाता हूँ इसके अंदर। येलो आपका ये हो गया, अब देखो इसे हटाएंगे, ये इसके कवर है जो मैंने हटा दिए दोनों, जैसा मैट डॉग वगैरह में देखा उसी तरीके से आपको अच्छे जी ओरिजिनल 70 वॉट के अंदर आपको मिल जाता है ये। और अब दिखाता हूँ इसकी रोशनी कैसी आती है, देखो बाइक ये देखो ये हो गई इसकी बाइक। और अभी डे का समय है, डे में इतनी अच्छी विजिबल हो रही है तो समझ सकते हो नाइट में कैसी होने वाली है। और ये थे इसके नॉर्मल मोड्स, अब दिखाता हूँ मैं हैजार्ड पैटर्न, ये देखिए ये आपके होते हैं इसके हैजार्ड पैटर्न जो कि मिल जाता है आपको 1, 2 और 1, 3, ये 2-3 पैटर्न इसके अंदर मिल जाते हैं आपको। जब भी आप राइड करते हो तो राइड काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है इसे करने के बाद। और ये दोबारा से इसके अंदर लगा देते हैं तो ये आपको हो जाएगा येलो, जैसे कि आपको पता ही है कि इसका यूज़ क्या है जो कि मैंने चेकआउट करा दिया आपको। और अब इसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, जब भी आप ये चीज़ लगवाते हो ना तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं इसके अंदर होल करते हैं लेग गार्ड में या किसी भी रॉड के अंदर, विदाउट एनी होल लगवाना है तो आपको इसके अंदर क्लैंप लगाए जाएंगे हैवी वाले, देख सकते हो ये क्लैंप लगाने ईजी टू फिटेड हो जाता है आपके फॉग लैंप, चाहे वो हल्के हो चाहे वो भारी, कोई से फॉग लैंप इसके अंदर ईजीली फिट हो जाते हैं। और अब इसके बाद दिखाता हूँ आपको बैक साइड के अंदर, ये मिलते हैं आपको दोनों तरफ सैडल स्टे जो कि देख सकते हो, सैडल स्टे नॉर्मल सैडल स्टे नहीं है, इस सैडल स्टे की स्पेशलिटी ये है कि ये है आपका डिटैचेबल इसके अंदर फुटरेस्ट, जो कि आप चाहो तो इसे हटा सकते हो, आप चाहो तो इसको लगा सकते हो दोबारा से। दो स्क्रू होते हैं किधर, एक मिलता है आपको इस तरफ, और ये भी मिलता है आपको 100% गारंटी वाला, जैसे कि आपको क्रैश होता है ना गारंटी, हमारी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सीधा आप करते हैं चेंज, उसी तरीके से आपके सैडल स्टे ये भी आपको मिलता है फुल गारंटी वाले। इधर आपको मिल जाए टॉप रैक प्लेट जो कि आपको देखने मिलते हैं कुछ इस तरीके से लगाने के बाद ना, ये दोनों चीज़ें लगने के बाद आप चाहो तो इसके अंदर टॉप बॉक्स पैनियर्स या आप कुछ भी इसके अंदर लगा सकते हो जो कि इजी टू इंस्टॉल हो जाते हैं आपकी हिमालयन के अंदर। और ज़रूरी नहीं आपके हिमालयन हो, आपकी कोई सी बाइक हो सबके अंदर इजीली फिट हो जाती है ये चीज़। और अब एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ आपको जो कि मिलेगा आपको इसके अंदर हैंडल राइजर, ये देखिए ये आपके हिमालयन की ब्रांडिंग वाले मिल जाते हैं आपको, हिमालयन 450 है, इसके भी हमने प्रॉपर फिटिंग बनवा दी है इसके हैंडल राइजर जो कि आपको देखने मिलते हैं कुछ इस तरीके से। जिन लोगों को राइडिंग करते हो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना नीचे ना होने डाउन ना होने के बाद अप करना हो तो उसके लिए लगा देंगे ऐसे हैंडल राइजर जिससे ईजी टू राइड आप कर सकते हो। और ये थी यहाँ पर आकर कंप्लीट हो चुकी है आपकी बाइक मॉडिफिकेशन। और अब मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, नाम क्या है और उनको कैसा लगा। आइए तो हेलो सर, आप ये बताओ कहाँ से आए हैं और कैसे आए बताइए। मैं जनकपुर से आया हूँ, मैंने खन्ना भाई का फ़ोन किया था ऐसी काम के लिए, तो मैं पूरा नाम बताया खन्ना हुई खन्ना ओमकार जो नाम है उनका, एक्चुअली क्या है हमारे खन्ना ब्रो खन्ना ओमकार यूट्यूब चैनल है। तो मैंने खन्ना ओमकार को फ़ोन किया था तो भैया ने बोला कि बाइक लिए मॉडिफिकेशन वगैरह करानी है तो एक नंबर देता हूँ तू बात कर ले एक बार उनसे। तो मैंने आज सुबह मॉर्निंग में उनको फ्री होते कॉल किया तो उन्होंने आपका नंबर दिया और लोकेशन आपसे मेरे भी कॉन्टैक्ट हुआ, फिर आपने लोकेशन वगैरह शेयर करके मैं यहाँ पे आया। बाकी जो काम हुआ है वो तो A1 हुआ है अभी तो फिलहाल, बाकी क्वालिटी वगैरह तो सारा A1 है और बिल्ड क्वालिटी और जो इसके जॉइंट्स होते हैं वो एकदम परफेक्ट जो होते हैं वैसे ही परफेक्ट है, मतलब कहीं से निकलने के कोई चांसेस नहीं है कि गिरने के बाद कुछ निकल जाए या खींचने के बाद कुछ निकल जाए, जॉइंट्स एकदम परफेक्ट है क्योंकि मेन जो काम होता है वो जॉइंट्स का ही होता है, जॉइंट्स के ऊपर ही सारा कुछ एक्सेसरीज टिकी हुई है अभी। अच्छा एक बात और पूछना चाहूँगा, हाँ कि आपने जॉइंट्स की बात करी क्वालिटी की बात करी, हाँ अगर वो ट्रस्ट नहीं होता खन्ना भैया को खन्ना ओमकार भाई को हमारे पर, हाँ तो वो आपको क्यों भेजते, मतलब ही नहीं बनता वो तो अपना नाम खराब करेंगे अपना नाम क्यों खराब करेंगे बाबा क्योंकि आपको पता है खन्ना भाई हमारे वैसे तो उन्होंने एक शोरूम खोला है बाइकर सेवंस के नाम से जो नारायणा में और वहाँ पे सारी सुपर बाइक्स आपको मिल जाएंगी, जिसको जिसको सुपर बाइक चाहिए मेरे पास भी एक सुपर बाइक है
तो मैंने भी उनके थ्रू ही ली थी, बहुत टाइम हो गया, बट अब उन्होंने अपना शोरूम खोल लिया है जो कि नारायणा में है। किसी को भी सुपर बाइक चाहिए तो वहाँ जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो अगर कोई जुड़ना चाहे या फिर उनसे आपको कुछ बाय करना चाहो तो आप उनसे बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच आने के लिए। और हमारा कोई भाई बहन तो आना चाहे ऑल इंडिया, तो क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपको? बिल्कुल आए, और एक बार तो आए, बेशक छोटा सा काम कर रहा है बट एक बार आए, एक बार आके पिक्चर्स वगैरह कैसा हमारी भी बताएं साथ में। एक नंबर आओ, पूरी खातिरदारी होगी यहाँ पे, खाना है पीना है, आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठ के अपना खाना पीना करते रहो, बाइक का काम होता रहेगा। बेशक एक कुछ भी पार्ट लगाना हो तो एक बार आओ। चलो थैंक यू सो मच वंश शर्मा जी, जो इन्होंने अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन करा ली है, और आपको भी कराना है ऐसा कोई भी काम तो आप करा सकते हैं आपके अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलते हैं दिल्ली के करोल बाग नए वलन के अंदर। मेरी दो शॉप मिलेंगी, एक मिलेगी आपको आर्य समाज रोड पर और दूसरी मिलेगी आपको आर्य समाज रोड पर ही, दोनों शॉप। अगर किसी को बाइकर से रिलेटेड टी शर्ट्स या कुछ भी परचेज करना हो तो मेरी वेबसाइट है ट्रैवल टीज वर्ल्ड करके, आप वहाँ पे जा सकते हो। टी शर्ट्स और राइडिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें अभी लॉन्च हो रही हैं और कुछ कुछ आ चुकी है वेबसाइट पे, तो आप जाके एक बार विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांड्स की टी शर्ट्स मिल जाएंगी, कावासाकी, आप कुछ कस्टमाइज कर। नंबर बता दो, 9717504 97175048 दोनों में क्यों गए? बहुत से लोग मेरे से नहीं समझते इंग्लिश में, इसीलिए मैंने बोला भाई। तो देखा भैया ने आखिरकार अपना बता ही दिया, मैं पूछ रहा तब नहीं बताया उन्होंने कुछ भी, अब बता दिया। चलो कोई बात नहीं, बाकी कोई दिक्कत छुपे रिश्ते में भाई साहब, हम भी इनसे लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और बाकी आपको करना क्या पता ना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बाकी आपको डायरेक्ट मुझसे कॉलिंग करनी हो तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, फर्स्ट नंबर मेरा है, आप चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, लोकेशन है लोकेशन मंगा सकते हो और आ सकते हो ईजीली। बाकी वीडियो चलो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, राजभाई स्टडी को जो कि मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।